इस फोटो में हम रिटचिंग के कुछ स्टेप्स देखेंगे और इस स्किन को ठीक करेंगे, क्योंकि टेक्सचर कंसिस्टेंस नहीं है। फेस पे टेक्सचर काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन यहाँ पे नेक पे और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर एंड यहाँ पे एंड ये हाथ पे टेक्सचर कंसिस्टेंस नहीं है। एंड डोजन बन करेंगे एंड ये एक्स्ट्रा हेयर से इनको रिमूव करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चेक लेयर्स को ऑन कर लेते हैं एंड डोजन बन का लेयर भी हम ओपन कर लेते हैं। अभी इसका डुप्लीकेट कॉपी करके पहले हेयर्स को रिमूव कर लेंगे। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश से यहाँ से नॉर्मल को रिप्लेस एंड थोड़ा कलर्स को भी ठीक करना होगा, क्योंकि फेस पे थोड़ा फोकस कम है एंड और ड्रेस तो ज़्यादा है। सो तो कुछ है इसमें, इनको रहने देते हैं। सो हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है। अभी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। सो कलर्स के लिए गॉसियन ब्लर टेक्सचर गायब हो जाने तक दिस इज ओके एंड इसको रीनेम कर लेंगे कलर्स एंड दिस इज टेक्सचर। अप्लाई इमेज कलर्स सब्ट्रैक्ट ओके प्रीमियर लाइट। अब कलर्स का डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे एंड अभी जहाँ पे शेडोज है उस एरिया पे मिक्सर ब्रश से कलर्स को फिल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पे आपको हल्का हाथ रखना है, क्योंकि ये जल्दी आउटपुट नहीं देता है। प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहने से इसके सही आउटपुट्स मिलने लगते हैं। तो हमने काफ़ी हद तक टेक्सचर को सही कर लिया है। अभी पोर्ट्रेचर फिल्टर को यूज करके स्किन को सही कर लेंगे। अभी एक मर्ज लेयर को बना लिया एंड अभी इस पे अप्लाई करेंगे पोर्ट्रेचर। तो ये काफी हद तक हमारे टेक्सचर को सही कर लेगा। अभी इन्वर्टेड लेयर मास्क को लेके उसको स्किन पे अप्लाई कर लेंगे। तो इसने हमारे सारे टेक्सचर को काफी हद तक सही कर लिया है। दिस इज ओके एंड अभी भी कुछ टेक्सचर यहाँ पे मिस कंसिस्टेंसी सही नहीं है, तो दूसरा स्टैम्प विजिबल लेयर लेके हम डायरेक्टली यहाँ पे मिक्सर ब्रश को यूज़ करके
उस टेक्सचर को सही कर लेंगे। अभी ये पूरा टेक्सचर गायब हो रहा है, लेकिन हम ओपेसिटी को कम करके उस टेक्सचर को वापस रिस्टोर कर लेंगे। सो ओपेसिटी कम कर लेंगे, सो बिफोर एंड आफ्टर 55 कर लेते हैं। ओके, दिस इज डन। अभी टॉर्च एंड बर्न कर लेते हैं, तभी हमारी स्किन अच्छे से फोकस में दिखने लगेगी। सो हम ओपेसिटी अभी कुछ ज्यादा ही रख रहे हैं, फिर लेयर ओपेसिटी कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉर्च एंड बर्न ग्रुप में है तो ग्रुप में ही कम कर लेंगे। अभी टॉर्च कर लेते हैं, आइस पे भी थोड़ा डॉज कर लेंगे जिससे कि वहां पे रोशनी आ जाए। यहाँ पे कुछ टेक्सचर अभी भी सही नहीं है, तो उसको ठीक कर लेंगे। इसकी ओपेसिटी पहले से ही कम रखी है, करके रखी है हमने 55, एंड कुछ टेक्सचर को भी हमने ठीक किया है नेक एरिया में, तो इसी लेयर पे हम इन टेक्सचर को भी ठीक कर लेते हैं। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। एंड अभी कुछ डॉज एंड बर्न ज़्यादा हो रहा है, तो ओपेसिटी कम कर लेंगे। दिस इज ओके एंड अभी बर्न में कोई कलर ऐड कर लेते हैं, तो रेड एंड डॉज में थोड़ा सा मजेंटा एंड रेड और थोड़ा सा येलो। दिस इज ओके, अभी कलर्स को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है रेड एंड ग्रीन एंड येलो ऑरेंज एंड थोड़ा सा साइन। तो हम येलो को थोड़ा ऑरेंज कर लेते हैं, एंड साइन है उसको ग्रीन करके ओपेसिटी कम कर लेंगे। तो सबसे पहले येलो को करते हैं ऑरेंज, दिस इज ओके एंड साइन को करते हैं ग्रीन, साइन एंड दिस इज ग्रीन ओके। एंड अभी ग्रीन की ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। This is okay. अभी कोई ग्रेडियंट मैप अच्छा वाला, सॉफ्ट लाइट
दिस इज ओके एंड और एक थोड़ा सा फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स को रिमूव कर लेते हैं। दिस इज ओके एंड अभी इसको लेके चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर, वहां से सभी कलर्स को हम कंट्रोल कर लेंगे। सो थोड़ा वार्म टोन एंड हल्का सा ग्रीन, हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, हाइलाइट्स को कम करना पड़े एंड शेडोज को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाते हैं, एक्सपोजर प्लस 5 लाइट ओके एंड स्किन टोन को थोड़ा सा एनहांस ब्राइट करते हैं। बी शेडो एंड हाईलाइट, ऑरेंज कुछ ज्यादा ही ऑरेंज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा करते हैं। येलो को ग्रीन कर लिया थोड़ा सा एंड येलो के ऑपोसिटी थोड़ी कम कर ली तो शेडो में कोई कलर कर लेते हैं। लुक्स ओके एंड हाइलाइट्स में येलो ओके एंड मिड टोन्स में ऑरेंज लुक्स ओके ग्लोबल में दिस वन नो येलोइश ऑरेंज काफी बेहतर लग रहा है। सभी कलर्स को एनहांस कर लेते हैं। ग्रीन टोन को ओके एंड अभी लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है क्योंकि मैं ओपेसिटी 50 करने वाला हूँ। ओके अभी कुछ मिस फोकस लग रहा है सब्जेक्ट तो कोई ओवरले हम यूज कर लेते हैं। ब्लू दिस वन एंड ओवरले ओपेसिटी 10 15 दिस लुक्स फाइन एंड कलर को चेंज करके देखते हैं। सब यही बेहतर है, ओपेसिटी कम करनी होगी 8। सो कलर्स दिस इज ओके, मजेंटा ऑरेंज एंड ग्रीन। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर।